गुड आफ्टरनून भाइयों, घुमक्कर शेफडीन का नमस्कार। और टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाइयों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और रॉयल एनफील्ड वालों ने अपनी नई बाइक सुपर मेटियोर 650 एक्मा में लॉन्च कर दी है। हाँ भाइयों, इसके लुक्स जबरदस्त हैं, इसके कलर्स मेस्मराइज कर देंगे आपको, आपकी आंखें इसके ऊपर से हटेंगी नहीं। इसका एरोडायनेमिक लुक, इसका हार्ले डेविडसन जैसा लुक, स्टाउट लुक, आपको देखने पे मजबूर कर देगा। आपकी नज़रें इस गाड़ी से हटेंगी नहीं। इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही खतरनाक है भाइयों। ये 7 कलर वेरिएंट में आती है और हर एक कलर अपने में एक नमूना है। भाइयों, जब ये मार्केट में, इंडियन मार्केट पे, रोडों पे दौड़ेगी तो लोगों को पागल कर देगी। ये एक नया क्रेज़ है, ये नया पागलपन है जो जल्द ही इंडियन सड़कों पे दौड़ते हुए नज़र आएगा। हाँ भाइयों, इसकी हाइट कम है, ये एकदम क्रूज़र लुक में है। और जो भाइयों जिनकी हाइट कम है वो भी इस गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी हमारे इंडियन मार्केट में उतरेगी। रॉयल एनफील्ड बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में इसे लॉन्च करने वाली है। सबसे पहले भाइयों, हम इसके कलर वेरिएंट के बारे में जान लेते हैं। ये टोटल 7 कलर्स में आती है, एस्ट्रल ब्लैक, एस्ट्रल ब्लू, एस्ट्रल ग्रीन, इंटरस्टेलर ग्रीन और इंटरस्टेलर ग्रे, सेलेस्टियल ब्लू एंड सेलेस्टियल रेड। तो ये सारे अमेजिंग है। जो आप इस वीडियो में देखेंगे कलर, वो इंटरस्टेलर ग्रीन है, ओके। और ये बहुत ही अच्छी शाइन और फिनिश के साथ आता है। कंपनी में इंजन के साथ कोई भी बदलाव नहीं किया है, वो वही इंजन है जो आपका इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी में आता है, 650 सीसी का विद 6 स्पीड गियर के साथ। अब इसमें बदलाव क्या किया है, इस मोटरसाइकिल को हमने बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग दी है, लुक दिया है, एक हार्ले डेविडसन जैसा लुक दिया है जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। और मैं भाइयों बता रहा हूँ, ये गाड़ी जब मार्केट में उतरेगी तो सबको फेल करेगी। इसका प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस इतना खतरनाक है कि आप देखते रह जाएंगे भाइयों। भाइयों, इसमें बेसिकली LED हेडलैम्प्स है, फुट पैक्स को आगे कर रखा है ताकि आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग मोड मिले, ओके। सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है और जो फुट रेस्ट है वो उसको एकदम आगे कर दिया गया है ताकि आपको एक कंफर्टेबल पॉस्चर मिले, ताकि एक आप लॉन्ग राइड कर सकें। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम गहराई से बात करते हैं तो ये पैरेलल ट्विन इंजन है। इसमें 648 सीसी का इंजन लगा है। इसका बोर स्ट्रोक 78x67.8 mm है और इसका हॉर्स पावर है 47 हॉर्स पावर। कंप्रेशन इसका 9:5:1 है, एयर और ऑयल कूल दोनों है। इसका कार्बोरेटर है वो EFI है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर के साथ आती है, जिसके कारण आपको एक बेटर माइलेज मिलेगा और बेटर पिकअप मिलेगा। तो भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे सुझाव से तो आपको लेनी चाहिए। अगर आप एक नई बाइक अपने दिमाग में प्लान कर रहे हैं जिसका बजट आप 4 लाख या 5 लाख रुपए रखते हैं, तो ये बाइक उस सेगमेंट के लिए एकदम वर्थ है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट को भी कम्पीट करती है, इंटरनेशनल बाइकों से भी कम्पीट करती है और ये एक परफेक्ट चॉइस होगा। तो भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और भाइयों, एक सेफ राइड कीजिए, हेलमेट लगाइए, अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखिए और दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल करिए। इसी के साथ घुमक्कड़ शेफडीन अलविदा लेना चाहता है। थैंक यू, शब्बा खैर।